क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, और किसका है, 48 का है। बाकी सब आप करिएगा, हम बता रहे हैं एक आध। जैसे 48 का कैसे होगा, 48 का कैसे होगा देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप एक स्केल से लाइन खींचा करिए यूं करके एकदम स्ट्रेट, है ना, और हर लाइन में ऐसे ऐसे लाइन खींच लिए यूं करके, ठीक है। बस एक दो तीन लाइनें शुरू में खींची, ज़्यादा नहीं, बाद में खींचते रहिएगा। अब ये लास्ट डिजिट देखते हैं आप, ये लास्ट डिजिट देखते हैं, ये इवन है कि ऑड है, ये क्या है, 8 इवन है। तो इवन नंबर यानी जोड़ा, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी के लास्ट में ये हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से होगा, तो आप 2 से काटिए। किससे काटिए, 2 से, यानी यहाँ पर 2 लिखिए। और जब हम 2 लिखते हैं, तो 2 जब भी लिखते हैं तो इस नंबर को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 लिखने का मतलब है 2 से आप 48 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 2 द 4, 8 उतारा, 2 4 द 8, क्या आया, 24, है ना। यह आप याद रखिए, आधा लिख देते हैं, 2 से जब भी करते हैं, इसका आधा 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, ओके। इसके बाद आप फिर से 2 से करिए, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, 4 है ना, तो 4 से जाएगा, क्लियर है। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 12 बार में, उसका आधा कितना होता है, 24 का 12 होता है, हाफ 12 होता है, ठीक। फिर अगर देखिए लास्ट डिजिट इवन है, तो फिर 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है ना, ये भी हो गया, ओके। फिर आप 6 बचा है, स्केल से खींचते जाइएगा लाइन, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, ओके। अब क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, 2 के बाद क्या आता है, 3 3 के टेबल में 3 आता है, कितनी बार में आता है, 1 बार में। जैसे ही यहाँ पर 1 आ गया, सवाल ख़त्म हो गया, ओके, क्लियर हो गया बात। अब हम देखेंगे कितने 2 हैं, 1 2 3 4 2 हैं और 1 3 है, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, सबके बीच में मल्टीप्लाई के निशान लगा देंगे, इसको इंटू पढ़ते हैं, 4 2 हैं, 1 2 3 2 4 2 और 1 3 भी तो है, ये हो गया 3, ठीक, क्लियर हो गया बात। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि सारे नंबर प्राइम में आएंगे, जब हम फैक्टर करेंगे उसके, तो जितने भी फैक्टर्स होंगे सब प्राइम में होंगे, ठीक है। 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, और सबसे कठिन बच्चों को 216 वाला लगता है, बाकी सब तो हो जाएंगे। ये तो 3 के टेबल में भी जाएगा, 3 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9 31 3, ठीक है। या ये 9 9 81 से भी कर सकते हैं, लेकिन 9 9 81 से नहीं करेंगे, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। तो आपने देखा कि भाई हम दूसरा बता दे रहे हैं, 81 है, तो आप 81 का कैसे करेंगे, 81 उतारा, 3 के टेबल में 81 आता है, 2 के टेबल में क्यों नहीं आता, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर इनमें से नहीं होगा तो वो 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, 2 के बाद 3 आता है। 3 से चेक करने की ट्रिक है कि 81 लिखा है, 8 + 1 कर लिए, 8 + 1 कितना होता है, 9, 9 क्या होता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा 3 के टेबल में जाएगा, यानी 3 से आप इसको डिवाइड करके देख लिए, 3 2 द 6 बचा 2 उतारा 1, 3 7 द 21 ख़त्म, टाटा बाय बाय, 27 बार में, 3 27 द 81, फिर 3 से 27 जाएगा, 3 9 द 27, फिर 3 से 9 जाएगा, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो हमारा इसका आंसर आ गया 3 × 3 × 3 × 3, ठीक। आपका जो W है कि 216 का करके दिखाइए, और ये 99% बच्चों का गलत आंसर आएगा, ठीक है, इसके फैक्टर्स बताइए।